टहलने के बाद का हो। देखिए कैसे आपका प्रमोशन कोई रोक सकता है, आपको प्रमोशन मिलना तय है। हमारी ढेरों शुभकामनाएं जी। और चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या तक का राशिफल, और ये राशिफल है कल के दिन का, आइए जानते हैं। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं, परिवार संग समय बिताएं, जो कि हर किसी को बिताना चाहिए, क्योंकि परिवार है तो हमारे पास ढेरों खुशियां हैं। उधार दिया पैसा जो है वो आपको वापस मिलने वाला है। शुभ रंग आपका जामुनी है और भाग्य है आपका 55%। बात करते हैं वृष राशि की। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना करें, नुकसान हो सकता है। सेहत चिंता का कारण बन सकती है, स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान रखें, अवेयर रहें थोड़ा सा। शुभ रंग आपका हरा है और भाग्य है आपका 69%। बात करते हैं मिथुन राशि की। दिन आपका खुशियों भरा रहेगा, परिवार के समय व्यतीत होगा आपका, बहुत अच्छी बात है। अगर परिवार के लिए समय मिल जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। शुभ रंग आपका भूरा है और भाग्य है आपका 60%। बात करते हैं कर्क राशि की। अनजान व्यक्तियों से सावधान हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि जिसको आप जानते नहीं है उस पर अति विश्वास ठीक नहीं होता। विदेश से आपको समाचार मिलेंगे, अच्छे समाचार, इंतजार करिए। शुभ रंग आपका गुलाबी है और भाग्य है आपका 60%। बात करते हैं सिंह राशि की। आज आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, तैयार रहिए। ये जो राशिफल है ये कल का है, कल यानी कल आपको बहुत बड़ा फायदा मिलना है। वाणी पर नियंत्रण रखें थोड़ा सा, क्योंकि जरूरी है, वरना आप बहुत कुछ खो भी सकते हैं। शुभ रंग आपका गहरा लाल है और भाग्य आपका 62%। बात करते हैं कन्या राशि की। कार्यों पर थोड़ा सा ध्यान दें, बहुत जरूरी है। विवाह के योग आपके प्रबल हैं, तैयारी कर लीजिए शादी की। शुभ रंग आपका संतरी है और भाग्य है आपका 75%। हमारी ढेरों शुभकामनाएं जी। ओडिशा से हमारे साथ मिताली जुड़ गई, उनसे बात कर लेते हैं। मिताली जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून सायदा जी। वेरी गुड आफ्टरनून मिताली। कोटि कोटि नमन आचार्य जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। मुझे आज अपने बेटे के बारे में जानना है जी। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 1/1/2008, 1 जनवरी 2008, 12:50 PM, केंद्रपाड़ा ओडिशा, 12:50 PM। जी जी जी, क्या जानना चाहती है मिताली आप? मेरे बेटे की राशि के अनुसार उसके भविष्य में कौन सा लाइन उसके लिए बेहतर रहेगा, और भविष्य में उसका आय रोजगार क्या कैसा रहेगा, और भाग्य जो कब होगा। अभी वो क्या करते हैं मिताली जी? हेलो जी जी, बताइए क्या करते हैं वो अभी इस समय? मेरा बच्चा अभी 4th क्लास में है। करियर कैसा रहने वाला चार जी, आगे चल के क्या सब्जेक्ट लेने चाहिए, क्या कुछ रहे? बिल्कुल टेक्निकल फील्ड इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, कौन सा बेहतर रहेगा वही। चलिए, मेष लग्न की इनकी कुंडली है और इनकी जो राशि है वो कन्या है। राहु की इस समय महादशा चल रही है और राहु इनके एकादश भाव में। अगर आपके इनके फील्ड की बात करते हैं, या तो इनको टेक्निकल फील्ड बहुत ज्यादा सूट करेगा, या फिर इनको लॉ करवाइए, वकील, इसकी ओर अगर इनका आप रुझान डालते हैं तो ये ज्यादा अच्छा कर पाएंगे अपने जीवन में। थोड़ा सा इनके संगति की ओर थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा इनको देर तक घर से बाहर ना रहने दिया करें। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, ये बहुत बड़ा उपाय है इनके लिए। सूर्य उदय से पहले इनको उठाना ही है, चाहे उठे थोड़ी देर बैठे नहा धोकर स्नान कर ले, उसके बाद अगर के ये थोड़ी देर के लिए शयन कक्षा में जाना भी चाहते हैं तो थोड़ी देर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सूर्योदय से पहले का स्नान इनको अवश्य करवाए। इनसे कहें कि गौ की सेवा, जितनी गौ माता की सेवा करेंगे ये बहुत अच्छा रहेगा। हरा चारा अगर शनिवार के दिन ये गौ को खिलाते हैं तो इनकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। हमारी ढेरों शुभकामनाएं जी। और यह वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता देते हैं आपकी इच्छाओं के बारे में। अब मन चाहिए, आपकी बहुत सारी इच्छा होती है, आप चाहते हैं कि जो आपके मन में है वो इच्छा जरूर पूरी हो, क्योंकि इच्छाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन पूरी कितनी होती है। लेकिन एक तो प्रबल इच्छा होगी ही, जो चाहते होंगे इस साल पूरी हो जाए। तो ये महीना बहुत ही पावन महीना है, उसके लिए खास दीपक आपको प्रज्वलित करना होगा। क्या है वो इच्छा, आइए आपको बताते हैं उसके निमित्त एक दीपक। जी आचार्य, बिल्कुल मन चाहिए इच्छाएं तो वैसे हमारी कहते हैं कि अनलिमिटेड है, कभी खत्म ही नहीं होती। एक पूर्ण होती है तो दूसरी पहले ही तैयार रख लेते हैं हम लोग। लेकिन कोई एक ऐसी इच्छा जो आप चाहते हैं कि ये तो अवश्य पूरी होनी ही चाहिए, हम इस इच्छा के बिना रह ही नहीं सकते, वो इच्छा आपकी पूरी होनी है। करना क्या है, मन में रखिए इस इच्छा को, गेहूं के आटे में गंगा जल मिला करके आपको दीपक बनाना है। बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं करना है इसमें, सिर्फ गंगा जल से ही गेहूं के आटे का दीपक बनाना है। उसमें शुद्ध तिल का तेल, उससे आप इस दीपक को भर ले, कलावे की एक बाती बना ले और इस दिए में डाल ले। ओम 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 मंत्र का जाप 27 बार करें और दीपक को अपने इष्ट देव या कुल देव के समक्ष रख दें और अपनी इच्छा बताएं उन्हें कि हमारी ये इच्छा अवश्य पूरी करें। कार्तिक का महीना है, पावन महीना, ये आपकी इच्छाएं पूर्ण होनी ही है और आप हमें मेल के जरिए या फोन के जरिए अवश्य बताएंगे कि आपकी एक बड़ी इच्छा पूर्ण हुई है। हमारी ढेरों शुभकामनाएं जी। और चलिए बारी आ गई है आपसे हम की, जिसमें आज हम बात करेंगे आपकी सुरक्षा के बारे में। तो आपसे हम में क्या कुछ है खास, आइए जान लेते हैं। जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। नारी तू ही है मां, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, आप सुरक्षित तो पूरा परिवार सुकून की जिंदगी जीता है। आपका सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपकी सुरक्षा का बीड़ा हमने भी उठा रखा है। इसीलिए हर दिन हम कोई ना कोई आपको उपाय देते हैं, जिससे आप सफलता, सुरक्षा, आपकी सेहत, हर चीज का हम ध्यान रख सके। महिलाओं का सुरक्षित होना बेहद जरूरी है। करना क्या है, एक पान के पत्ते पर दो लौंग, एक इलायची, ये रख करके मां दुर्गा को अर्पित कर दें। ये करने से आप सुरक्षित रहेंगी, आपकी सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आएगी। हमारी ढेरों शुभकामनाएं जी। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी बचे राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। तो तुला से लेकर मीन तक का क्या है हाल कल के दिन के लिए, आइए जान लेते हैं। बात करते हैं हम तुला राशि की। मन को थोड़ा सा शांत रखें, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य है आपका 57%। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। क्रोध पर अपने काबू रखें, ये तो हर दिन ही रखना चाहिए लेकिन कल के दिन आपने जरूर रखना है। रिश्ते आपके मजबूत होंगे। शुभ रंग आपका नारंगी है और भाग्य है आपका 63%। बात करते हैं धनु राशि की। शिक्षा में सफलता मिलेगी, हमारे विद्यार्थी आप खुश हो जाएं। रुका हुआ धन आपका भी वापस आने वाला है कल, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए कल तक का। शुभ रंग आपका गुलाबी है और भाग्य है आपका 65%। बात करते हैं मकर राशि की। मन पर नियंत्रण रखें, काबू रखेंगे तो कहीं भी उलझेंगे नहीं, यात्रा आपकी लाभदायक होगी। शुभ रंग आपका हरा है और भाग्य है आपका 61%। बात करते हैं कुंभ राशि की। अपनों का सहयोग मिलेगा, जिसके लिए हर कोई इंसान परेशान रहता है कि अपने एटलीस्ट उनको फेवर करें। धन का निवेश करने से बिल्कुल बचें कल के दिन। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य है आपका 58%। बात करते हैं मीन राशि आखिरी राशि की। कार्यों में सफलता मिलेगी आपको, नए वाहन का योग है, बिल्कुल तैयार हो जाइए लॉन्ग ड्राइव के लिए।
शुभ रंग आपका बादामी है और भाग्य है आपका 69%। हमारी ढेरों शुभकामनाएं जी। लखनऊ से हमारे साथ पूनम जुड़ी, उनसे बात कर लेते। पूनम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार साइबा जी। नमस्कार सोनम जी। नमस्कार आचार्य जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत जी, मुझे अपने बारे में जानना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए सोनम। 2 सितंबर जी 1989। ये 2 सितंबर है दिसंबर है? 2 सितंबर जी। समय बताइए। शाम का 6 या 7 के बीच का समय है। ये कंफर्म नहीं है जी? नहीं, मतलब शाम का 6 या 7 के बीच का है। चलिए आप स्थान बता दीजिए। लखनऊ। क्या जाना चाहती है सोनम आप? जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई है जी। जी। और मतलब वैवाहिक जीवन में भी काफी ज्यादा परेशानियाँ आती हैं। इतना टाइम हो गया और कहीं से पूछा भी सबसे तो किसी ने कहा कि मतलब आपका संतान है ही नहीं। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि मतलब क्या है, मेरी संतान होगी कि नहीं होगी, और होगी तो कब तक का होगी, और मतलब मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, मुझे यही जानना। जी बिल्कुल आप परेशान ना हो। अगर किसी ने भी आपको ये कहा है कि आपकी कुंडली में संतान योग नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, आपकी कुंभ लग्न की कुंडली है और आपकी जो राशि है वो कन्या राशि है। बिल्कुल आपको राहु की महादशा चल रही है, लेकिन ऐसा कहना कि आपकी कुंडली में संतान योग नहीं है आपको कहीं ना कहीं निराश कर रहा है, जिसके चलते आप मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा परेशान है और आप उस ओर ध्यान ही नहीं दे रही है कि आपकी गोदी में एक नन्ना मुन्ना संतान, प्यारी सी संतान आपकी गोदी में खेले। संतान गोपाल यंत्र है ये, अपने घर के अंदर स्थापित कर लें। और संतान गोपाल की एक किताब आती है, उसका पाठ आप नित्य करें। कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति, बिल्कुल छोटी सी मूर्ति, आप कृष्ण की पीतल की मूर्ति ले आइए, उनको बहुत अच्छे से प्यारे से कपड़े पहना करके और उनके नीचे रखने के लिए एक पीले रंग का वस्त्र और मोर मुकुट उनको लगा के रखें। हर बुधवार के दिन आपने उस मूर्ति को कुछ क्षण के लिए अपनी गोदी में विराजमान करना है और उनसे बातें करनी है और अपने घर में एक प्यारी जैसी कृष्ण रूपी संतान के लिए आपने कामना करनी है और हर बुधवार उसी वस्त्र के साथ उसे अपने मंदिर में विराजमान करना है। ध्यान दें, आप स्वच्छ अवस्था में होनी चाहिए। बिल्कुल अगर आप अशुद्ध अवस्था में है तो इस विधि को ना करें। लगातार हर बुधवार करते रहिए तो देखिए कितनी जल्दी आप मां बनने का सुख हासिल करेंगे। हमारी ढेरों शुभकामनाएं और बिल्कुल शांत रहें, खुशी से रहें और आप संतान का इंतजार करें जी। कोलकाता से हमारे साथ अनीता जुड़ी, उनसे बात करेंगे। अनीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, मेरा नाम अमिता साव है जी। अनीता जी बताइए। अमिता अमिता जी माफ कीजिएगा, आप बताइए अपने बारे में। मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा पति के नाम मंजीत साव है और मेरा अमिता साव है। आप किसके बारे में जानना चाहते हैं, अपने बारे में पति के बारे में? दोनों ही के बारे में जानना चाहते हैं। किसी एक के बारे में पूछ पाएंगे आप? किसी एक के बारे में? बच्चा नहीं है हम दोनों का। तो आप अपने बारे में अपनी कुंडली बताइए। अपनी कुंडली दे दीजिए। मेरी कुंडली नहीं है, हमको नहीं पता मेरा डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, आपके हस्बैंड की कुंडली है? उनका भी नहीं हमको पता है। तो प्रश्न कुंडली ही एकमात्र सहारा बनता है चार्य जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप निराश ना हो क्योंकि कुंडली नहीं है तो थोड़े से हम असमर्थ हो जाते हैं किसी अच्छी पूरी सटीक जानकारी देने के लिए। लेकिन फिलहाल कहते हैं ना कि दुआओं में बहुत असर होता है। दुआएं, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद, आप राह चलते भी जहां आपको लगता है कि कोई असहाय बुजुर्ग बैठे हैं, उनकी थोड़ी सी सेवा, पानी जल जो भी आप दे सकते हैं उनको दीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। एक पहला उपाय ये दुर्गा सप्तशती का पाठ आपने हर बुधवार को ये करना है, लेकिन शाम को करना है। सूर्य ढलने के बाद हर बुधवार ये दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और माँ से कामना करें कि माँ मुझे मात्र सुख दीजिए, अवश्य आपके घर में प्यारी सी संतान होगी। हमारी ढेरों शुभकामनाएं और इंतजार करें नन्नी मुनी संतान का जी। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरी जानकारी देने के लिए।
और हमें उम्मीद है कि कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। तो कल दोपहर 2 बजे भी जरूर जुड़िएगा हमारे साथ, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं करवा चौथ की सर्गी से जुड़ी खास जानकारी। फिलहाल देखिए उसकी झलक, हमें दीजिए अभी इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। क्या आप दिल्ली को वहीं से देख रही हैं या कि दिल्ली आगे बढ़ी? कुछ महीने पहले तो लग रहा था स्टैंड स्टिल है, अब ऐसे लगने लगा कि वो पीछे जा रही है। वोट लोगों को गुमराह करके पा तो लिया, लेकिन अब उसको मेंटेन नहीं कर पाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या इस चेहरे को दिल्ली की विकास के रूप में देखा जाए या फिर एक जातीय समीकरण साधन? जो दो बातें आपने कही हैं वो दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक है। क्या आप दिल्ली को वहीं से देख रही हैं या कि दिल्ली आगे बढ़ी? कुछ महीने पहले तो लग रहा था स्टैंड स्टिल है, अब ऐसे लगने लगा कि वो पीछे जा रही है। वोट लोगों को गुमराह करके पा तो लिया, लेकिन अब उसको मेंटेन नहीं कर पाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या इस चेहरे को दिल्ली की विकास के रूप में देखा जाए या फिर एक जातीय समीकरण साधन? जो दो बातें आपने कही हैं वो दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक है। क्या आप दिल्ली को वहीं से देख रही हैं या कि दिल्ली आगे बढ़ी? कुछ महीने पहले तो लग रहा था स्टैंड स्टिल है, अब ऐसे लगने लगा कि वो पीछे जा रही है। वोट लोगों को गुमराह करके पा तो लिया, लेकिन अब उसको मेंटेन नहीं कर पाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या इस चेहरे को दिल्ली की विकास के रूप में देखा जाए या फिर एक जातीय समीकरण साधन? जो दो बातें आपने कही हैं वो दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक है। भारत में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सब बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसमें मुख्य है बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापे की दिक्कत, जोड़ों का दर्द। ये सारी बीमारियां सुरसा के मुख की तरह बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आज इस भागती दौड़ती जिंदगी में आप एक मशीन बन चुके हैं। सुबह से शाम तक पूरा लाइफस्टाइल आपने बिगाड़ रखा है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है, क्या कम खाना है, ना सरकार सिखा रही है ना हॉस्पिटल सिखा रहे हैं। तो आपको खुद सीखना होगा इस प्रोग्राम के माध्यम से, जीना सीखो के माध्यम से। हम आपको पूरे परिवार को जिंदगी भर इन बीमारियों से ठीक होकर कैसे स्वस्थ रहना है ये सिखाने आए हैं। गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था आपके लिए लाए हैं प्रोग्राम जीना सीखो, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको आपके शरीर के विज्ञान के बारे में, उसमें आने वाली हर बीमारी के बारे में और उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है उनके बारे में विस्तार से जानकारी देगा, ताकि आप अपने डॉक्टर खुद बन सकें और घर बैठे हर बीमारी का इलाज खुद कर सकें। जीना सीखो प्रोग्राम योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी की कड़ी मेहनत व आयुर्वेद पर उनके अनुसंधान का फल है, जिसका हम अभी वर्णन करेंगे। तो आइए मिलते हैं
योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी से। नमस्कार दर्शकों, गॉड रेस फाउंडेशन संस्था के जीना सीखो कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस लाइव प्रोग्राम में अगर आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑपरेशन ही इलाज है या जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, तो आप मुझे फोन कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कोई ना कोई घरेलू नुस्खा या कोई ना कोई उपाय बताने की जिससे आप ठीक हो सके। और हमारा इस प्रोग्राम को चलाने का, दिखाने का, बनाने का उद्देश्य क्या है, आप एक चीज समझें कि जब भी आपको कोई भी बीमारी होती है और डॉक्टर बोलता है कि आपको दवा खानी पड़ेगी, तो आप उस डॉक्टर से पूछिए कि ये जो दवाई है ये बीमारी की है या बीमारी के जड़ की है। क्योंकि जो आपको बीमारी बताई जाती है वो बीमारी है, उसके होने की वजह के इलाज की दवाई कोई नहीं दे रहा हमें। यही वजह है, एक बीमारी फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी फिर ऑपरेशन फिर ये फिर वो फिर ट्रांसप्लांट पता नहीं क्या क्या। और आप खुद समझदार हो, आजकल देश में हो क्या रहा है, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर मनीष जी। हाँ नमस्कार, बताइए। मैं जयपुर से सुरेश बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए। मेरे को सर, आप टीवी पे देख के बात मत कीजिए ना, साइड पे होके बात कीजिए। टीवी पर क्या होता है, हमारी जो आवाज है 15 मिनट सेकंड लेट चलती है। ठीक है ठीक है। हाँ जी बताइए। 2 साल से मुझे शुगर है। 2 साल से? ठीक है, शुगर है। और मेरे को प्रोटीन इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है 10 साल से। 10 साल से जी? वो 10 साल से प्रोटीन इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम है ना, इसीलिए शुगर हुई आपको? दूध दूध दही दालें ये कुछ भी नहीं खा सकता, एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम है। क्योंकि आपका लीवर वीक है। उम्र कितनी आपकी? मेरी उम्र 51 साल है। वजन कितना है? वजन है 62 kg। और ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। ठीक है, 10 साल से दिक्कत है आपको। उससे पहले क्या दिक्कत थी आपको? उससे पहले कोई एसिडिटी और ये प्रॉब्लम थी गैस की बस। और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है मेरे को। उसका ऑपरेशन करवा लिया क्या? अभी नहीं करवाया। नहीं कराया सर, ऑपरेशन नहीं कराया। ठीक है, डॉक्टर ने तो बोल दिया ना करा लो। हाँ उन्होंने कह दिया करा लो। ठीक है, जब भी कभी एसिड गैस भी बनता है ना, वो भी एक चेतावनी होती है किसी और बीमारी की। जी जी। लेकिन हम लोग भारतीय समझते नहीं है। जी जी। पूरे विश्व में आज भारत की जो एवरेज उम्र है वो 65 साल है, और 65 साल भी बीमारियों वाली। किसी को 30 में, किसी को 35 में, किसी को 40 में बीमारियां आनी शुरू होती हैं, और 65 साल में लगभग एवरेज भारतीय नमस्ते हो जाते हैं। लेकिन जापानी 84 साल जीते हैं, चाइनीज 80 साल जीते हैं, अमेरिकन 74 साल जी रहे हैं एवरेज। तो हम भारतीयों को ऐसा क्या हो गया कि हम 65 साल में नमस्ते होने लग गए, और 65 साल में ही हम लोगों की सारी कहानी खत्म, और बीमारियां हमें 32, 35, 25, 28, 45 में ही आ जाती हैं। क्योंकि हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में शिक्षा नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है डाइट की, लाइफस्टाइल की, एक्सरसाइज की, जिसकी वजह से भारत में बीमारियां आ रही हैं। इसीलिए हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया जीना सीखो। संस्था का नाम है गॉड ग्रेस फाउंडेशन। और इसके अलावा हमने बोला अपना डॉक्टर खुद बनो, अपना गुरु खुद बनो, अपना इलाज खुद करो, अपने बारे में अपनी जानकारी खुद इकट्ठी करो कि मुझे कौन सी चीज सूट करती है, कौन सी चीज सूट नहीं करती। शुगर अगर किसी को भी 40 साल की उम्र के बाद होती है तो लगभग वो टाइप 2 डायबिटीज होती है। तो टाइप 2 डायबिटीज ठीक हो सकती है, लेकिन 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने इलाज चलता है। शुगर ठीक हो सकती है, बीपी ठीक हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, लेकिन एलोपैथी के डॉक्टरों से नहीं। वो तो बोलेंगे जिंदगी भर गोली खाओ, जिंदगी भर ये खाओ, ऑपरेशन कराओ। वो ठीक नहीं कर रहे, वो बीमारी को दबा रहे हैं, हम बीमारी को भगा रहे हैं। मर्जी आपकी है कि ठीक होना है या बीमार रहना है। एक मैं आपको न्यूज़पेपर दिखा रहा हूं, दैनिक भास्कर में छपा हुआ है। क्या आप बीमार हैं? आप जवान हैं लेकिन आपका दिल भी। भारत में हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इस टाइम भारत में हार्ट अटैक, लकवे का अटैक, ब्रेन स्ट्रोक की तबीयत बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और लोग बीमार पड़ रहे हैं, और ट्रांसप्लांट तक कराने की नौबत आ रही है। लेकिन वजह क्या है? लाइफस्टाइल, बढ़ता पोल्यूशन और बढ़ता स्ट्रेस। एक और न्यूज़पेपर दिखाता हूं, ये पूरा का पूरा न्यूज़पेपर देखो, ये पूरा का पूरा आर्टिकल छपा है, दिल का मामला है। इसमें पूरी रिसर्च छपी हुई है, पूरी की पूरी, कि दिल क्या है, कैसे काम करता है, बीमारियां क्या हो रही है। इस खबर में क्या लिखा हुआ पता है? कि सन 2014 में पूरे विश्व में 19 लाख लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई, जिसमें 15.5 लाख भारतीय थे। बड़ा अच्छा रिकॉर्ड बनाया भारत ने। वजह कि भारतीय तेल, मक्खन, घी इतना खाते हैं, खाने को चबा चबा के नहीं खाते, खाने के साथ पानी पीते हैं, रात को ब्रश नहीं करते, एक्सरसाइज करने के नाम पे इनको मौत पड़ती है। हमारे बाबा रामदेव सुबह सुबह उठ के टीवी पर योग सिखाते हैं लेकिन हमें करने में मौत पड़ती है।
अच्छा एक प्रॉब्लम भी है, कोई बोलता है योगा अच्छा है, कोई बोलता है पार्क जाना अच्छा है, कोई बोलता है जिम अच्छा है। हमने क्या करा, 30 मिनट की सीडी बना दी जो दिव्या किट के अंदर आती है कि ये कर लो तो भी स्वस्थ रहोगे। एक और कॉलर है हमारे साथ, हांजी नमस्कार। हेलो, हाँ जी सवाल पूछिए। हाँ जी बताइए। उम्र कितनी है आपकी? कितनी? 39। अच्छा वजन? और इसके अलावा कोई दिक्कत? 50 किलो वजन होगा, 50-52 के करीब। ठीक है, और इसके अलावा कोई तकलीफ? मेरे वो बहुत जकड़न होती है, मांसपेशियां इतना खींचा जैसे होता है कि मेरा काम करना ही मुश्किल होता है। घुटने दुखते हैं, एड़ी दुखती है, कर कर की आवाज आती है घुटने के अंदर से। आपने ये प्रोग्राम पहली बार देखा कि पहले भी कभी देखा है? नहीं, मैं बस मिलते ऐसे 10-15 दिन, कभी मुझे 3 बच्चे हैं मेरे, तो मैं मुझे टाइम मिलता है उस हिसाब से सुबह सुबह आपका प्रोग्राम देखती है बच्चे को। तो मेरे प्रोग्राम को देख के कोई चीज सीखी अभी तक, कुछ किया आपने? किया तो क्या किया बताओ। मैं क्या करूँ, अभी बॉम्बे का लाइफ है, मुझे 12 बजे सोने को मिलता है रात में। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने कुछ सीखा भी है, कुछ बात भी बदली है, कुछ अपना खाना पीना सुधारा है, कुछ सिस्टम सुधारा है क्या? सलाद, थोड़ा सलाद स्टार्ट किया है, टाइम मिलता है। अच्छा, और खाने में स्टार्ट किया, बाकी क्या? अभी बॉम्बे में कहाँ रहते हो? बॉम्बे में विरार में रहते हो? विरार में रहते हो। बॉम्बे में अंधेरी में हमारा सेंटर भी है, वहाँ डॉक्टर भी बैठते हैं, जाके मिल लो एक बार, मिलने की चेकअप की फीस नहीं है। बॉम्बे में, चंडीगढ़ में, जीरकपुर में और दिल्ली में 3 है, एक पश्चिम विहार में, एक शास्त्री नगर में और एक रेलवे स्टेशन पे। तीनों जगह जहां भी क्लिनिक्स है, मिलने की चेकअप की फीस नहीं है। आके मिलो, समझो, अगर हमें बीमारी समझ आएगी तो हम इलाज कर देंगे आपका। दर्शकों, जहां जहां हमारी क्लिनिक्स हैं वहां आके आप मिल सकते हो, जहां हमारी क्लिनिक्स नहीं है वहां के लोग हमारे संस्था में फोन करें, हमारे विशेषज्ञों को पूरी डिटेल बताएं, हम उनको फोन पर ही कुछ समझाएंगे और जो भी उचित उपाय या दवाई होगी वो बताएंगे। आपको अपनाना होगा, आप ठीक हो सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंत में मैं कुछ बातें भी बताऊंगा, आपको कागज पर लेके बैठ जाना, लिख भी लेना कि स्वस्थ कैसे जीना है, स्वस्थ कैसे रहना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपसे मिलना है, आपसे मिलना है। मैं लोगों से नहीं मिलता, क्योंकि अगर मैं लोगों से मिलूंगा तो एक दिन में मुश्किल से 5 से 10 लोगों से मिल पाऊंगा। पूरे साल में 365 दिन यानी कि 3650 लोग, पूरे 10 साल में जाके 36,500 लोग, तो भारत की आबादी 125 करोड़ है। तो मैंने अपने आप को फ्री रखा हुआ है ताकि मैं टीवी चैनल्स के माध्यम से आपको जागरूक करूं, आपकी आंखों की आगे पट्टी जो लगी हुई है वो खोलूं, आपको पूरी जानकारी दूं ताकि आप स्वस्थ रह सको। तो एक ही व्यक्ति है जो आपको बचा सकता है, वो आप खुद हो, और बचने के लिए एक ही व्यक्ति होता है, हम खुद और हमारा गाइड। और हमारा गाइड कौन होता है? जो हमारा भला सोचे, हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग, हमारे कोई वेल विशर्स। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हम लोगों के पास टाइम ही नहीं है लोगों से बात करने के लिए, समझने के लिए। आप लोगों को इस प्रोग्राम में इंटरव्यू क्यों दिखाए जाते हैं कि ये लोग ठीक हो गए या कुछ बेटर हो गए? आप भी कुछ बेटर हो सकते हो, लेकिन आपको स्वीकार करना होगा गलतियों को और अपने सिस्टम को सुधारना होगा, तभी भारत बच सकेगा और भारत का पैसा भी विदेशों में जाने से बच सकेगा। एक मैं आपको न्यूज़पेपर दिखा रहा हूं, ये क्या कह रहा है, संभल कर ले पेन किलर दवाएं। मतलब कई बार सिर दर्द, कमर दर्द, घुटने दर्द में हम पेन किलर्स खाते हैं। ध्यान से देखो, इससे किडनी फेल हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है, पथरी बन जाती है, बच्चेदानी में रसौली हो जाती है। तो पेन किलर जल्दी से मत खाया करो। कई लड़कियां भी पीरियड्स के दिनों में पेन किलर्स खाती हैं, तो ध्यान रखा करो अपना। एक और कॉलर है हमारे साथ, हाँ जी नमस्कार। हाँ जी सवाल पूछिए। सर ये किडनी में है, किडनी में क्या है? पथरी है। अच्छा ठीक है, और तो जो हमारी संस्था की दिव्या किट हम दिखा रहे हैं ना, इससे पथरी निकलेगी नहीं, पथरी बननी बंद हो जाएगी। आप संस्था में फोन करो कि दिव्या किट के साथ आपको पथरी निकालने की दवाई भेजेंगे। मैं आपको भी और सारे दर्शकों को बताता हूं कि मार्केट में किडनी को, पथरी को तोड़ने की दवाइयां मिलती हैं, नहीं खानी चाहिए। जिस तरह पहाड़ों पर सड़क बनाने के लिए, पहाड़ों पर गंधक शोरे का